गुरुवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करते हैं। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा हमारा बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध सात बार फिर जल चढ़ाता, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाता, उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाता। आप अपने घर की ओर अगर जो कार्य उलझ रहा है उलझने का नाम ही नहीं लेगा, किसी भी प्रदोष के आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती करकर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देगा, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य। जिसके घर में अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि का दिख में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, और ध्यान दीजिएगा महाराज, श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की सात भाग ले लो, मतलब बेलपत्री सात ले लीजिए, सात बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा जो बड़ में पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर नंदी के जो नंदी होता है नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है एक पांव नीचे की हो जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो सात गुच्छ हैं, सात जो बेलपत्री के भाग हैं, सात बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है सबसे आगे का भाग, सांखों में लाल चंदन लगाना है। महाराज वो चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, वो शांति का अनुभव उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय वो कच्चा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी आने वाली किसी भी अपडेट को मिस ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।